गाइज, यहाँ मैं रैंक मोड में ड्रीम टीम चैलेंज खेलना चाह रहा हूँ। इसमें मुझे स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें एम हार्ट मेरा इंजर्ड है, तो इसकी जगह पे एक दूसरे प्लेयर को मैं रख रहा हूँ और वो है मार्कंडे। मार्कंडे को मैं रख रहा हूँ और 100 क्रेडिट्स में मुझे सारे प्लेयर सेलेक्ट करने थे। और चलिए स्टार्ट करते हैं गेम को और ये देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं कम्प्लीट। और ये प्लेयर मिल चुके हैं मुझे, ब्रॉन्ज 5 के प्लेयर मिले हैं मुझे, अनुराग वर्मा। देखते हैं अनुराग जी के साथ मेरे कैसा ये मैच हो पाता है। और ये टीम सेलेक्ट कर रहे हैं अनुराग जी। और ये मैं देख रहा हूँ यहाँ टॉस के लिए मैं टेल्स में दबाऊँगा, टेल में लिया हूँ टॉस के लिए। देखते हैं टॉस जीतता हूँ या हारता हूँ। और ये टॉस में जीत गया, मैं बैटिंग सेलेक्ट कर रहा हूँ, पहले मैं बैटिंग करूँगा फिर देखते हैं आगे क्या हो सकता है। और मैं पोलार्ड और डेविड मिलर के साथ ओपनिंग करूँगा, देखते हैं। और स्पिनर को लाया है इसने, अनुराग जी ने स्पिनर को लाया है। और ये ओके, तो ये तो वाइड बॉल होना चाहिए, एग्जैक्टली लेग स्टंप के बाहर और लेग के तरफ मूवमेंट, तो वाइड ही हो सकता था और क्या। और लेट्स सी ये क्या होता है। हाँ, इसको मैं खेल सकता हूँ आराम से। अगर मैं थोड़ा लेट खेला और ये 4 रनों के लिए सीमा रेखा से बाहर। और ये फर्स्ट लीगल डिलीवरी और ये चौके के लिए। इस तरह से एक बॉल पे मुझे 5 रन बन चुके हैं। और ये सेकेंड बॉल देखते हैं, काफ़ी स्लो फेंकने की कोशिश कर रहा है। और ये 6 सेकेंड बॉल पे 6, 2 बॉलों पे 6 रन मैंने लगा दिया। आप देख सकते हैं मेरे मूवमेंट्स के लिए मैं किस डायरेक्शन में शॉट खेल रहा हूँ। और ये फुल लेंथ डिलीवरी जब तक फेंकेंगे मेरे से आसानी होगी खेलने में। मैं देखिए कोशिश कर रहा हूँ मैं इधर ही खेलने का फिर से। ओके, थर्ड बॉल अगेन 6 4 6 6, 17 रन्स बन चुके हैं अभी तक 3 गेंदों में। और ये काफ़ी लूज डिलीवरी कहेंगे, यॉर्कर लेंथ मेरे लिए काफ़ी आसान है खेलना। और ये फिर 4 रन, 21 रन इस ओवर में अभी तक आ चुके हैं, अभी भी 2 गेंदे बाकी हैं। तो देखते हैं, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बॉलिंग होगा इसमें, बट फिर भी एक देख लेते हैं। ओ माय गॉड, मैं ये क्या सेलेक्ट कर लिया, ये क्या सेलेक्ट कर लिया, मुझे कुछ और मारना था, ये कुछ और मार दिया मैंने। मेरे मन में कुछ था, शॉट कुछ और खेल रहा था, सेटिंग कुछ और कर दिया मैंने। ओके, दैट्स 6 अगेन, एक और 6 हो सकता था बट मैंने मिस कर दिया। खैर कोई बात नहीं, इस ओवर में 27 रन टोटल बने हैं एक ओवर में, ठीक है। ये आप शॉट्स की डायरेक्शन देख सकते हैं, शॉट किस डायरेक्शन में लग रहे हैं। और ये पेस बॉलर्स के साथ ही बॉलिंग करने की कोशिश करते हुए। ओ ओ ओ, नाइस बॉल, अच्छा गेंद फेंका इन्होंने। और ये मैं कोशिश करूँगा ये ऑफ साइड भी सर मारने के लिए। और ये धौल कुलकर्णी से बॉलिंग करा रहे हैं और ये काफ़ी स्लो बॉलर है। 4 रन लगे इस बॉल पे, ठीक था, अच्छा था। देखते हैं अगला बॉल क्या है। अगला बॉल फिर से मैं वही शॉट, सेम शॉट ऑफ साइड में मैं खेलूँगा। मैं इसको छोड़ भी सकता हूँ चाहूँ तो। ओ ओ ओ, नहीं नहीं नहीं, इम्प्रोवाइज किया, सही है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बॉलिंग, बहुत अच्छा बॉलिंग, नाइस।
ओ, आखिर फाइनली एक अच्छा बॉल्स आ रहे हैं, बट कुछ खास सिमिलर डिलीवरी फेंकेगा तो मार खाएगा और कुछ नहीं है इसमें, इसमें कुछ नहीं है। दो बॉल मुझे छका दिया क्योंकि दो बॉल डिफरेंट स्टाइल के थे, तो बिहेव कैसा करेगा वो समझ नहीं आया। बट सिमिलर डिलीवरी फिर से थर्ड टाइम फेंकेगा तो जाहिर सी बात है मार खाना ही था, और ये फिर से यॉर्कर लेने की कोशिश कर रहा है, इसे तो मैं आसानी से खेल पाऊंगा। ये ऑफ साइड में मारूंगा इसको मैं, और ये 4 रन आसानी के साथ मिल गया। इससे से वो 14 रन बने हैं, पिछले ओवर जो 27 रन के ओवर गए थे उससे तो अच्छा है, ये ओवर फिर भी काफ़ी महंगा ओवर कहेंगे, 14 रन बहुत महंगा है। दो ओवर में 41 का टारगेट मैंने क्रॉस कर लिया, 3 ओवर का खेल अभी बाकी है। आप चाहें तो आप इसे स्किप कर कर के आगे भगा सकते हैं, देखते हैं। हाँ, ये 2 ओवर का फील्डिंग इन्होंने चेंज किया, अनुराग जी ने फील्डिंग को चेंज किया है, 5 फील्डर अब बाहर रह सकते हैं, और चलिए वाइड हो जाना चाहिए बट ओके, रन आउट का मौका है और रन आउट शायद हो गए हैं हम, एक विकेट। ओ शिट, ऐसे नहीं होना चाहिए था, 1 रन से भी काम चल सकता था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात। तमीम इकबाल जो हमारे कैप्टन हैं इस टीम के, बांग्लादेश के प्लेयर हैं ओरिजिनली, बट ये मैंने इस टीम में लिया है, इनके स्टैट्स काफ़ी अच्छे हैं, फिर मैं वही शॉट खेलने की कोशिश करूँगा। ओ माय गॉड, तो काफ़ी अच्छा बॉलिंग कर रहा है। काफी हताश होंगे अपने आप से, सीधा स्लॉट में थी गेंद। मैं फिर 1 रन ही ले लूँगा, 2 विकेट कर में रन आउट नहीं होना है, और इस ओवर में 3 गेंदों में केवल 2 रन आए हैं। कुछ ओवर्स अच्छे कुछ ओवर्स खराब होते रहते हैं, और इस पर मैं कोशिश करूंगा 6 लेने का। एक नहीं, 6 नहीं गया, और ये आउट होते होते बचा हूँ, कैच जा सकता था बट ठीक है, इट्स ओके। 2.4 ओवर्स में ये तो यॉर्कर लें तो मैच काफ़ी आसानी से खेलूँगा। यह 6 यॉर्कर मुझे पहले काफ़ी प्रॉब्लम होते थे खेलने में, बट जो जानते हैं जो काफ़ी लोग जो परेशान करते हैं वो अचानक हारते हारते मैंने जीतना सीख लिया, उस पर प्रैक्टिस हो गया, अब आसानी के साथ ही खेल सकता हूँ मैं ये शॉट। यॉर्कर में तो काफ़ी आसान है खेलना मेरे लिए, और यॉर्कर डाल के तो कोई बचने की संभावना नहीं है, काफ़ी है अभी भी, एक आध गलती हो सकती है बट वो एक्सेप्शन है। यॉर्कर में काफ़ी अच्छा खेला, शॉर्ट बॉल्स में मुझे दिक्कत होता है, और देखिए पी नेगी एक स्पिनर को लाया गया है, और कोशिश करूँगा, देखते हैं क्या होता है। 1 रन ही लूँगा, ज़्यादा लालच बुरी बला, रन आउट होने से तो अच्छा है, 1 रन से संतोष किया जाए। ओके, ओवरऑल अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं इन्होंने, अच्छा बॉलिंग की है इन्होंने, और ये ऑफ साइड में इसको मारूंगा, और ये 4 रन होना चाहिए, ना 4 रन नहीं हुआ आपके, अच्छा बॉलिंग है, अच्छा बॉलिंग है। अंतिम ओवरों में वो देखते हैं क्या बॉल फेंकता है, काफ़ी स्लो बॉल फेंकने की कोशिश, अरे आसानी से 2 रन मिलेंगे मुझे। डेट्स ऑल फॉर टुडे, ओके, देखते हैं 10 रन मिले हैं, और
अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं अनुराग जी, हिज बॉलिंग रियली गुड। और ये सिक्स रन्स, अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन मैं भी यूं ही यहाँ नहीं बैठा हूँ, कुछ टेक्निक तो मुझे भी पता है गेम्स के, इस गेम के कम से कम इसको ऑफ में मारना चाहूँगा। यस वेरी नाइस, इसे 74 रन्स आई गेस हो चुके हैं चार ओवर में 74 रन्स कंप्लीट, काफ़ी अच्छा स्कोर है। इसको कंप्लीट करना इतना आसान नहीं होगा, और देखते हैं कि इनका बैटिंग कैसा है। और लिविंग स्टोन तो काफ़ी ख़राब स्टेट्स है इस बॉलर के, देखते हैं क्या होता है। इसको भी ऑफ में मारने की कोशिश करेंगे, सिक्स ये तो होना ही था, बॉलर में दम नहीं है कुछ खास, मतलब लिविंग स्टोन 44 स्टैट्स के बॉलिंग फिगर्स थे तो ठीक है। दो रन आसानी से मिल सकते हैं, हालांकि डेविड मिलर 44 पे खेल रहा है 14 गेंदों में, उनके 50 के लिए मैं कोशिश करूंगा, देखते हैं। अगला बॉल पे 6 या 4 नहीं आया तो मैं कोशिश करूंगा कि डेविड मिलर को स्ट्राइक मिले। ओह माय गॉड, ये बॉल मिस हो गया, ये बॉल मिस हो गया, अभी डेविड मिलर को स्ट्राइक के लिए कोशिश करेंगे। ओह नो, काफ़ी ओके ठीक है, मौजूदा रन रेट को देखते हुए बल्लेबाज अपने रूप बदल रहे हैं। और ये सिक्स रन, खैर डेविड मिलर को स्ट्राइक नहीं मिल सकता के लिए अब लास्ट बॉल आना है, अब ये लास्ट बॉल आना है। मैं इधर मारने की कोशिश करूंगा लेग साइड में, डबल तो दौड़ ही सकता हूँ, एक लास्ट बॉल पे आउट होने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हालांकि 2 रन हो गए, इस तरह से 90 रन हुए हैं मेरे 5 ओवरों में, 18 का एक्स्ट्रा रन रेट से लगा है 18 रन पर ओवर। मैं ऑफ करता हूँ अभी, नेक्स्ट इनिंग नेक्स्ट इसको, ये वेटिंग फॉर ओपोनेंट, आई डोंट नो वेयर ओपोनेंट हैज़ गॉन, स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है गेम अभी, मैं तो स्टार्ट कर चुका हूँ, तो ये कब तक स्टार्ट होता है, मैच एंडेड, ओह माय गॉड ओपोनेंट ने बैटिंग ही नहीं किया, ओके एनीवेज थैंक यू बाय। 25 पॉइंट्स मिले हैं, 30 MP, ओपोनेंट ने बिना बैटिंग के सरेंडर कर दिया, एनीवेज बॉलिंग नहीं कर पाया, थैंक यू।